तो आज की इस वीडियो में स्ट्रीम ईपीएस से जुड़ा हुआ एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये फ्रूट क्लास है, इसके अंदर नेम है और क्वांटिटी है। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारे पास आइटम्स होंगे, मतलब लिस्ट ऑफ फ्रूट्स होंगे, उनमें से हमें डुप्लीकेट प्लस उनकी क्वांटिटी क्या है वो देखना है। बेसिकली कहने का मतलब है जैसे कि ये हमारे पास लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि बनाना की क्वांटिटी कितनी है। अभी यहाँ पे देख पाओगे कि बनाना दो बार है, ऑब्वियसली डुप्लीकेट है, तो हमें कंबाइन करके वन सिंगल क्वांटिटी बनाना है, व्हाट इज़ 35 समथिंग लाइक दैट। तो ये पूरा जितने भी बनाना होंगे उन सबको यू नो एक्यूमुलेट करके और उसके बाद उसको समेशन करेंगे एंड देन फाइनल रिजल्ट देंगे कि बनाना इतना है, इसकी इतनी क्वांटिटी है। मैंगो की सिमिलरली, एप्पल की सिमिलरली उसी तरह से काउंट करने होंगे। तो ये कैसे करेंगे, यूजिंग ग्रुप बाय, ग्रुपिंग बाय। तो चलिए कैसे करते हैं, देखते हैं स्ट्रीम एपीआई स्टेटमेंट किस तरह से लिखने वाले हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सबसे पहले फ्रूट्स। मैंने पहले ही लिस्ट ऑफ यू नो फ्रूट्स क्रिएट कर लिए ताकि ईजी हो, टाइम हमारा बचे। और यहाँ पे मैं ओके फ्रूट्स इसको पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, देन कलेक्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारा होगा कलेक्टर्स। ओके मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ लाइन को, ठीक है बेटर रहेगा, ठीक है थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्टर्स, उसके बाद मेरे पास मेथड है जो ग्रुपिंग बाई है, इसमें हम पास करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन और रेफरेंस मेथड भी आप पास कर सकते हो एज योर चॉइस। मैं दोनों ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक के साथ लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर ले, तो लेट्स यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन एफ डॉट गेट नेम एक्चुअली यहाँ पे रिट्रीव कर लेंगे, सिंपल सा। तो कैसे हमें ग्रुपिंग करनी, नेम के बेसिस पे, जो भी फ्रूट का नेम है उसके बेसिस पे ग्रुप बाई करेंगे। तो बनाना का एक ग्रुप बनाएंगे, मैंगो का, एप्पल का एंड सो ऑन। उसका ग्रुप बाई करने के बाद देन फाइनली हम उसकी क्वांटिटी, उसके करस्पॉन्डेंस सम करेंगे, ठीक है, उसको जोड़ेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक और हम कलेक्टर्स यूज़ करेंगे, सेकेंड पैरामीटर कलेक्टर्स डॉट, यहाँ पे एक मेथड है समिंग। अभी यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे तीन मेथड है, आपको कौन सा चूज़ करना आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा। लेट्स से कि यहाँ पे हमने फ्रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका जो मैंने टाइप लिया है वो इंटीजर टाइप है। अब लेट्स से यूनिट काउंट करना है या समथिंग एल्स कुछ भी है, तो उसका टाइप के अकॉर्डिंगली इनमें से तीन मेथड्स में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, डबल इंट और लॉन्ग। तो मेरे केस में इंट है ऑब्वियसली, तो इंटीजर मैं ये यूज़ करूँगा। और यहाँ पे भी आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो और चाहे तो आप रेफरेंस मेथड यूज़ कर सकते हो। तो रेफरेंस मेथड भी यूज़ करके दिखा देता हूँ तो ईजी रहेगा, एक के साथ लैम्डा एक्सप्रेशन और एक के साथ, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, गेट क्वांटिटी, फ्रूट है, सॉरी नॉट फ्रूट्स, ओके ठीक है। यहाँ पे आप लैम्डा एक्सप्रेशन भी पास कर सकते थे लेकिन मैंने रेफरेंस मेथड भी करके दिखा दिया, ठीक है बड़ा ही सिंपल है। इसके बाद ये की वैल्यू के मैप में जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो देख लेते क्या आने वाला है। तो ऑब्वियसली हमारा जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है और जो वैल्यू हमारी काउंट होकर के जो फाइनल होगी वो इंटीजर बनेगी। और यहाँ पे हम लिख लेते सम एज सिंपल और उसके बाद यहाँ पे से सॉर्ट करा देंगे सिंपली, ओके। और इसको मैंने कंट्रोल एस किया और इसको मैं रन करता हूँ। तो यू कैन सी हियर बनाना का 35 है, ऑरेंज का 30 है एंड एप्पल का 15 है और 40 है मैंगो का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं देन उसका उसके करस्पॉन्डेंस कैसे हम काउंट और सम करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल था। तो ये बेसिक से स्टेटमेंट, इसकी मदद से हम यूज़ कर पाएंगे, मतलब हम सम कर पाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में इतना ही, लाइक इट देन गिव अ थम्स अप, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।